प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास विषय के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित धाराओं की चर्चा करते हैं। पहली धारा है धारा 21 से दिसंबर सन 2002 अनुच्छेद 21 ए के भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। धारा 28 का भाग 1 है राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धारा 343 देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। धारा 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। धारा 29 का भाग 1 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृत बनाए रखने का अधिकार होगा। धारा 29 का भाग 2 कहता है राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म प्रजाति जाति भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। धारा 45 कहती है शिक्षा का मौलिक अधिकार राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। धारा 46 राज्य जनता के निर्बल विभागों विशेषतया अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नत करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। धारा 350 कहती है प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। धारा 351 कहती है हिंदी भाषा की वृद्धि करना उसका विकास करना तथा उसकी समझ सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा जिससे यह भारत की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।